हेलो बच्चों, आज हम विद्युत क्षेत्र के अंदर ही एक टॉपिक पढ़ रहे हैं जो है विद्युत क्षेत्र। जो कौन सा है? विद्युत क्षेत्र। टॉपिक शुरू करने से पहले बच्चों थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं कि एक क्लास की फीलिंग आई जिसके द्वारा लगभग मुझे भी याद है पढ़ते समय जब हमको सर पढ़ाते थे क्लास के अंदर, तो क्लास में पढ़ते पढ़ते ही वो चीजें याद हो जाती थी। लेकिन अब लॉकडाउन की वजह से क्लास में वीडियो नहीं बनाए जा रहे हैं, घर पे ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ लगभग जितने भी बना रहे हैं और आगे बनाएंगे। तो इसलिए क्लास की फीलिंग आने के लिए जो भी मैं बोलूंगा उसको मैं फिर से रिवाइज करूंगा और आप भी मेरे साथ साथ उसको बोलें जिससे आपको साथ साथ याद होता जाए। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं विद्युत क्षेत्र की। कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन है वो मैंने यहाँ पहले से लिख लिया है, मैथमेटिकल और डायग्राम हम साथ साथ पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले बच्चों जो इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट का नाम है, इसी की परिभाषा है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र, तो बच्चों विद्युत क्षेत्र किसे कहेंगे? तो विद्युत क्षेत्र को पढ़ने से पहले हम चुंबकीय क्षेत्र, गुरुत्वीय क्षेत्र की थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। जैसे 11वीं में आपने गुरुत्वीय क्षेत्र पढ़ा होगा कि पृथ्वी अपने चारों ओर एक क्षेत्र बनाती है। उस क्षेत्र के अंदर यदि आप कोई भी द्रव्यमान वाला पदार्थ है वो लेके आते हैं और उसको यदि स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ देते हैं तो पृथ्वी उसको अपनी ओर क्या करेगी? आकर्षित करती है। तो वो किस क्षेत्र में करेगी? जहां गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव होता है, अर्थात गुरुत्वीय क्षेत्र जो है वह क्षेत्र है जिसमें गुरुत्वाकर्षण बल लगे किसी भी द्रव्यमान वाली वस्तु के लिए। ठीक इसी प्रकार बच्चों ये छोटे मोटे आपने एक्सपेरिमेंट छोटी कक्षाओं में या घर पर भी किया होगा। जैसे चुंबक ले लिया, चुंबक के पास में आपने कोई लोहे का कण है वो ले जाते हैं तो वो चुंबक उस लोहे के कण को चिपका लेती है। क्यों चिपका लेती है? क्योंकि जो चुंबक है वो चुंबकीय पदार्थों को, लोहे को, कोबाल्ट को, इनको अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है, तो इसी प्रकार चुंबक भी अपने चारों ओर एक क्षेत्र बनाती है। उस क्षेत्र के अंदर जब आप लोहे को लेके आएंगे तभी वह उसको अपनी ओर आकर्षित करती है। तो इसी प्रकार का विद्युत क्षेत्र है जो गुरुत्वीय क्षेत्र है और आपके चुंबकीय क्षेत्र है। तो गुरुत्वीय क्षेत्र में हम द्रव्यमान की बात करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में हम चुंबक और उसके ध्रुवों से संबंधित बात करते हैं और यहाँ विद्युत क्षेत्र में हम आवेशों से संबंधित बात करते हैं। तो बच्चों विद्युत क्षेत्र क्या है? विद्युत क्षेत्र की सिंपल सी परिभाषा है, कोई भी हम आवेश लेते हैं तो आवेश अपने चारों ओर एक क्षेत्र बनाता है, या आवेशों का आप समूह भी ले सकते हो और उसके चारों ओर एक क्षेत्र बनता है। उसके अंदर यदि आप कोई दूसरा आवेश लाए तब क्या होगा? पहले से जो आवेश है और जो बाद वाला आवेश है उसके बीच में या तो प्रतिकर्षण बल होगा या फिर उनके बीच में आकर्षण बल होगा, या तो उनके बीच में प्रतिकर्षण बल होगा या उनके बीच में आकर्षण बल होगा। तो ये जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है जिसे हम स्थिर विद्युत बल कहते हैं, तो ये जिस क्षेत्र में लगा है, जितने क्षेत्र में लगा है उसे ही हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो बच्चों विद्युत क्षेत्र की क्या परिभाषा है? किसी विद्युत आवेश या आवेशों का जो निकाय है उसके चारों ओर जो क्षेत्र बनता है जिसमें आप कोई अन्य आवेश को लाते हैं, कोई अन्य आवेश को लाते हैं, साथ साथ बोलते जाएं, साथ साथ बोलने का प्रयास करें, तो इनके मध्य स्थिर विद्युत बल। तो इनके मध्य स्थिर विद्युत बल, जो स्थिर विद्युत बल है यदि सजातीय आवेश है तो प्रतिकर्षण बल और विजातीय आवेश है तो आकर्षण बल। तो ये आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल काम करेंगे। उस विद्युत बल का जो अनुभव हो दूसरे आवेश के द्वारा, उसको यह फील हो, अनुभव हो, तो वह जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र। जैसे चिड़ाव में रहते हैं तो एक बावलिया बाबा यहाँ हम प्रसिद्ध मानते हैं, उसका एक क्षेत्र बना हुआ है। चंदाणा में यदि हम रहते हैं तो भभूता बाबा है, उसका एक क्षेत्र बना हुआ है। तो क्षेत्र विशेष के अंदर इसी तरह से यहाँ आवेश जो है वो भी अपने चारों ओर एक क्षेत्र बनाता है जिसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है, आप देख देख के लिख सकते हो। ठीक इसी प्रकार बच्चों इस विद्युत क्षेत्र का यदि हम मान ज्ञात करें तो मान ज्ञात करने के लिए
ये एक हम इस अन्य राशि लेते हैं जिसे हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बच्चों, तो विद्युत क्षेत्र में रखें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है कि जो आपने ऊपर वाली जो परिभाषा पढ़ी है उसके जैसी ही है, बस उसको हम मैथमेटिकली थोड़ा अनुपातिक रूप में ले लेते हैं कि कोई भी अन्य आवेश जो है विद्युत क्षेत्र में है, कोई परीक्षण आवेश ले लीजिए या कोई भी आवेश है, उसके चारों ओर जो विद्युत बल लगता है, जो विद्युत बल वो अनुभव करता है या विद्युत बल जो लगता है उस पर, वो आपके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो विद्युत बल और बटे आवेश या परीक्षण आवेश उसके अनुपात को भी हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कह देते हैं। तो विद्युत क्षेत्र में रखे किसी इकाई धनात्मक परीक्षण आवेश पर लगने वाला विद्युत बल, विद्युत क्षेत्र में इकाई इसका मतलब वो अपॉन में ले लेते हैं, तो इकाई धनात्मक परीक्षण आवेश के चारों ओर जो विद्युत बल लगता है उसे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, उसे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है और ई वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। क्यों? क्योंकि विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत बल बटे परीक्षण आवेश, विद्युत बल बटे परीक्षण आवेश, बल बटे परीक्षण आवेश। अब ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये है विद्युत बल पर निर्भर करे, इस परीक्षण आवेश का मान अधिक न हो। यदि इस परीक्षण आवेश का मान ज्यादा होगा तो इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कम हो जाएगा, क्योंकि ये इसके व्युत्क्रमानुपाती है। इसीलिए परीक्षण आवेश का मान हम नगण्य मानते हैं, अत्यल्प मानते हैं, जिसके द्वारा विद्युत क्षेत्र जो है वो विद्युत बल पर निर्भर हो। तो इसीलिए हम ये थोड़ी सी एक मैथ की कंडीशन कि क्यू नॉट का मान यदि अत्यल्प है तो क्यू नॉट टेंस टू जीरो, इसका मतलब Q नॉट जीरो नहीं है, जीरो की ओर अग्रसर है। ठीक है, इसके द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिमिट ऑफ Q नॉट टेंस टू जीरो F नॉट अपॉन Q नॉट। ठीक है, ये आपके सिंपल सा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या इसकी यही हम छोटी सी परिभाषा लिखे हैं, और भी जो आपने लिखा है कि Q नॉट इक्वल टू वन कूलाम, मान लीजिए ये जो परीक्षण आवेश है ये एक कूलाम है, तो ये जो E वेक्टर है ये किसके बराबर हो जाएगा, F वेक्टर के बराबर हो जाता है। तो बच्चों वही बात है कि किसी भी इकाई परीक्षण आवेश, धनात्मक परीक्षण आवेश, उसके चारों ओर लगने वाला जो विद्युत बल है, उस पर लगने वाला विद्युत बल वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है, वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो बच्चों यह कौन सी राशि है, सदिश राशि है, यह है सदिश राशि है, और इसका मात्रक, मात्रक क्या है बच्चों, बल, बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन। ठीक है, और बटे आवेश का क्या हो जाएगा, कूलाम, न्यूटन बटे कूलाम। ठीक है, न्यूटन को आप लिख सकते हो बच्चों किलोग्राम इंटू मीटर बटे सेकंड का स्क्वायर, यह आपने पूर्व कक्षा 11 में पढ़ लिया था। और कूलाम, कूलाम को आप लिख सकते हो बच्चों एम्पियर इंटू सेकंड। क्यों लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि हमको विमीय समीकरण ज्ञात करनी है। तो विमीय समीकरण ज्ञात करने के लिए आप जानते हो जो आपके फंडामेंटल क्वांटिटी है, मूलभूत राशियां हैं, उनके रूप में हम जो भी मात्रक है वो लिखते हैं। सात मूल राशियां ये आप जानते हो बच्चों आसानी से। ठीक है, तो हमने बल को लिख लिया किलोग्राम मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, और धारा बराबर होता है आवेश बटे समय, तो आवेश हो जाएगा धारा गुणा समय। ठीक है, एम्पीयर इनटू सेकंड हो जाता है। तो बच्चों इसकी विमा इसके द्वारा हम बनाए तो ये क्या बन जाएगी, किलोग्राम इनटू मीटर और सेकंड की घात माइनस तीन, और एम्पियर की घात क्या होगी बच्चों, माइनस एक। ठीक है, तो ये आपके हो जाता है, तो विमा हो जाएगी एम वन एल वन टी माइनस थ्री
और ए माइनस वन, ए माइनस वन, ये बच्चों कई बार पूछी गई है, पूछ लेते हैं, मात्रक पूछ लेते हैं या विमा भी पूछ लेते हैं। तो इसकी विमा क्या हो गई, एम वन एल वन टी माइनस थ्री और ए माइनस वन। ठीक है, साथ साथ बोलते जाए, पहली बार जब बोलेंगे जो भी अपन इसको प्रूव कर रहे हैं, दूसरी बार साथ साथ बोलने का प्रयास करें। इसी प्रकार बच्चों इसका जो मात्रक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, वो आपके न्यूटन बटे कूलाम तो है ही, न्यूटन बटे कूलाम। इसके साथ साथ बच्चों एक मात्रक और है, वोल्ट बटे मीटर। क्या है बच्चों, वोल्ट बटे मीटर, वोल्ट बटे मीटर। वोल्ट बटे मीटर क्यों होता है वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन कई बार कोई सवाल करते हैं तो उसमें लिखा रहता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 5 मेगा वोल्ट बटे मीटर है। ठीक है, तो वोल्ट बटे मीटर ई इक्वल टू वी अपॉन डी होता है बच्चों, ये थोड़ा सा याद रखें, आगे हम काम में ले लेंगे। वी बच्चों विभव है, विद्युत विभव, और डी बच्चों क्या है, दूरी। डी क्या है, दूरी। ठीक है, तो विद्युत विभव और दूरी यानी विभव प्रवणता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। तो इससे संबंधित वी वोल्ट है विभव और दूरी मीटर। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का न्यूटन बटे कूलाम भी मात्रक है और वोल्ट बटे मीटर भी है। विमा विमीय समीकरण एक ही है, वो आपको याद हो गई होगी, क्या है, एम वन एल वन टी माइनस थ्री और ए माइनस वन। ठीक है बच्चों, तो पॉज करके लिख लीजिए। ठीक इसी प्रकार बच्चों विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो लगभग हम 12-13 टॉपिक पढ़ेंगे, द्विध्रुव के अक्ष पर, द्विध्रुव के निरक्ष पर, गाउस के नियम के आधार पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं पढ़ेंगे। ठीक है, और तो ये हम कुछ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लेंगे, दूरी के आधार पर भी है और अन्य प्रकार की, तो उसी के लिए हम एक ये नेक्स्ट टॉपिक आपके विद्युत बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र का यदि मान ज्ञात करना है तो यह है आप समझ लें कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही ज्ञात की जा रही है। ठीक है बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज या दूरी के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम यूं भी कह सकते हैं। तो इसके लिए हमने बच्चों क्या किया है, एक छोटा सा कोई बिंदु ले लिया, ओ बिंदु है और उस पर कोई आवेश है, क्यू आवेश ले लिया, स्मॉल क्यू ले लो, कैपिटल क्यू ले लो, ठीक है, जो भी आप लेना चाहो, और आर दूरी पर एक बिंदु पी है, एक बिंदु पी है, आर दूरी पर एक बिंदु क्या है बच्चों, पी है। ठीक है, बार बार हम बोलेंगे आगे टॉपिकों में आर दूरी पर स्थित बिंदु पी, तो इस बिंदु पी पर आपको क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। इसके लिए हम एक छोटा सा टेस्टिंग चार्ज परीक्षण आवेश क्यू नॉट ले लेते हैं। ठीक है, और जो कहां रख देंगे, बिंदु पी पर रख देंगे, जो कहां रख देंगे, बिंदु पी पर रख देंगे। अब बच्चों ये टॉपिक आपको तभी क्लियर होगा जब अभी तक का जो पढ़ाया हुआ है पीछे का वो आपको याद रहे। कहने का अर्थ यह है कूलाम का जो नियम है वो आपको याद हो और साथ साथ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा भी आपको याद हो, तो यह टॉपिक आप आसानी से कर लोगे। इस तरह से आगे हम जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो पीछे वाले टॉपिकों के आंसर, पीछे वाले टॉपिकों के जो स्टेप्स हैं वो आपको याद होनी चाहिए, तो आप आगे कर पाओगे। ठीक है, तो बच्चों ये दो आवेश हैं, एक क्यू और एक क्यू नॉट, तो यह है मान लीजिए दोनों धनावेश ही हैं, तो इनके बीच में कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल, जिसके कारण यह आवेश किधर जाएगा, बाहर की तरफ। तो प्रतिकर्षण बल क्या हो गया बच्चों, एफ वेक्टर। ठीक है, और यदि आकर्षण बल होता तो अंदर की तरफ लग जाता, और इसकी जो बल की दिशा है उसके लिए हम एकांक सदिश ले लें हैं, तो वो आपके क्या हो जाएगी, आर कैप। ठीक है, वो आपके हो जाएगी बच्चों आर कैप के रूप में ले लीजिए। तो
यहां हम इसको करें तो फिर क्या आएगा, दोनों आवेशों के बीच कूलाम का नियम पीछे याद है वो हम करते हैं, तो रखते हैं तो दो आवेश हैं बिंदु P पर, रखते हैं तो रखते हो तो कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम बच्चों आप जानते हो F इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, वेक्टर के रूप में ले लें तो यहां F वेक्टर और यहां आप लगाते थे आपको याद होगा R कैप, R कैप ठीक है। तो K तो बच्चों K है, Q1 की जगह Q है और Q2 की जगह Q नॉट है और R R है, या वेक्टर के रूप में लेना चाहो तो वेक्टर ले लीजिए, मोड लगा लीजिए R वेक्टर का स्क्वायर ठीक है। ये सदिश राशि है, ये अदिश है, सदिश बनाने के लिए हमने एकांक सदिश ले लिया ठीक है बच्चों। तो ये आपने एकांक सदिश ले लेते हैं, तो ये आ गया के क्यू क्यू नॉट इंटू ये आपके विद्युत बल आ गया कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से बच्चों ये आ गया विद्युत बल, विद्युत बल। फिर हमको ज्ञात क्या करना है बच्चों, विद्युत क्षेत्र क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो इस विद्युत क्षेत्र को ज्ञात करने के लिए ये जो अभी आपने टॉपिक पढ़ाया है ये काम में ले रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, ये परिभाषा रही E वेक्टर इक्वल टू F वेक्टर अपॉन क्यू नॉट, वो वाली ले लेते हैं ठीक है। ये समीकरण दो हो गया, समीकरण एक का मान दो में रख देते हैं, समीकरण एक व दो से, या समीकरण एक का मान दो में रखने पर यूं आप लिख सकते हो, तो E इक्वल टू क्या आएगा, F की वैल्यू है K Q Q नॉट R कैप अपॉन Q नॉट इंटू R स्क्वायर। तो Q नॉट से बच्चों Q नॉट कैंसिल हो गया तो E वेक्टर क्या आ गया, K Q अपॉन R स्क्वायर इंटू R कैप, या नॉर्मली हम जो लिखेंगे वो लिख देंगे के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये ऊपर वाला है सदिश रूप में ठीक है बच्चों। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है के और क्यू, यदि नियत राशि है दूरी का मान कम ज्यादा हो जाए तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो दूरी के, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के प्रतिलोमानुपाती होती है या व्युत्क्रमानुपाती होती है, इनवर्स स्क्वायर। तो बच्चों इसके आधार पर यदि आप दो छोटे छोटे ग्राफ लेते हैं कि मान लीजिए ये E है और ये R है, तो E और R के बीच R का मान यदि ज्यादा होगा तो E का मान कम होगा, तो इस तरह से ये अति परवलयाकार वक्र बन रहा है, जैसे जैसे E का मान कम हो रहा है R का मान बढ़ रहा है ठीक। इसी प्रकार E और यदि 1 अपॉन R स्क्वायर में ले लें, ये पूरा का पूरा एक साथ ले लें, इसका मतलब E जो है 1 अपॉन R स्क्वायर के समानुपाती है, तब बच्चों आपके नियत रेखा आ जाएगी। तब ये जो पहला डायग्राम है और ये जो दूसरा है इसमें ये क्लियर है, जो ये ग्राफ है ये कैसा है, अति परवलयाकार हाइपरबोलिक कर्व, और ये आपके है सीधी रेखा, ये आपके है सीधी रेखा। तो बच्चों मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, सिंपल सा टॉपिक है, कमेंट करके बताएं।
इसमें कोई यदि आपको और अधिक सुधार की जरूरत है, कोई भी बात नहीं समझ में आए तो अब इसमें नेक्स्ट जो अभी टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे पीछे आपने पढ़ा था बहुल आवेशों के लिए गुलाम का नियम, याद है गुलाम के नियम का विस्तारित रूप जिसमें आपने अध्यारोपण का सिद्धांत काम में लिया था, ध्यान है बहुल आवेशों के लिए गुलाम का नियम। ठीक ऐसे ही इसमें भी हम दो या दो से अधिक आवेश लेंगे और उन दो या दो से अधिक आवेशों के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे और साथ ही साथ विद्युत बल रेखाएं भी ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो ये इतना देख लीजिए पॉज करके।